Suppose I have written 2 into 2, this is equal to 4. 2 into 2 is equal to 4. Base and exponent का यूज करके 2 into 2 को वी कैन राइट 2 square which is equal to 4. इस चीज को अगर मैं एक और तरीके से लिखूं, दैट इज 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4. 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, सेम चीज इसको लिखने का एक और तरीका ये है, 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4. नाउ दिस स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज रेडिकल, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज रेडिकल. This is the radical. So we can say that x into x into x n times, let us say we are multiplying x को हम n times multiply कर रहे हैं और assume कर लेते हैं कि it is equal to b. X is getting multiplied n times and it is equal to b. So we can write LHS में ये जो लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं x raised to the power n, this is equal to b, x raised to the power n is equal to b. Now, अगर मैं इस चीज को इस तरीके से लिखूं, x raised to the power n is equal to b, इसको हमने इस तरीके से लिखा, x is equal to nth root of b. क्या पढ़ेंगे? Nth root of b. Then this nth root of b is the radical. This is read as nth root of b. यहां पे जो नंबर है उसका ऑर्डिनल नंबर हमें पढ़ना होता है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट दिस इज सेकेंड रूट ऑफ 4, और वी कैन ऑल्सो कॉल इट स्क्वायर रूट ऑफ 4. दिस इज सेकेंड रूट ऑफ 4 और स्क्वायर रूट ऑफ 4. इफ आई राइट इट लाइक दिस क्यूब रूट ऑफ 4, दिस इज क्यूब रूट ऑफ 4 और थर्ड रूट ऑफ 4. दिस इज फोर्थ रूट ऑफ 4. ये जो 4 यहां जो लिख रहे हैं ये इस गैप में यहां पे लिखना है, फोर्थ रूट ऑफ 4. सिमिलरली फिफ्थ रूट ऑफ 3, फिफ्थ रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 4 और सेकेंड रूट ऑफ 4, क्यूब रूट ऑफ 4 और थर्ड रूट ऑफ 4, फोर्थ रूट ऑफ 4, फिफ्थ रूट ऑफ 3. तो उसी तरीके से वी विल रीड इट एज nth रूट ऑफ b, nth रूट ऑफ b. नाउ nth रूट ऑफ b, इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, इसको जान लेते हैं कि इसमें b को क्या कहा जाता है, n को क्या कहा जाता है और इस साइन को क्या कहा जाता है, दिस साइन अलोंग विथ n. ठीक, तीनों का एक स्पेसिफिक नाम b जो रूट के अंदर है, nth रूट के अंदर जो ये लिखा हुआ है b, दिस इज कॉल्ड रेडिकेंड. दिस इज radicand, n, this n, it is called index of radical, index of radical, and this symbol nth root, the symbol nth root is called radical sign, radical sign. Once again, nth root of b में ये जो b है जो अंदर में लिखा हुआ है, this is called radicand. N is called index of radical and this symbol along with N, ये symbol N के साथ, this is called a radical sign. X is getting multiplied N times and this is equal to B. इसको हम क्या लिख सकते हैं, LHS can be written as x raised to the power n and this is equal to b.
तो इसको अगर मैं रेडिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो x इज इक्वल टू nth रूट ऑफ b. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस nth रूट ऑफ b का मतलब क्या है? nth रूट ऑफ b का मतलब है कि x को जब हम n टाइम्स, nth रूट ऑफ b का मतलब यही है, x को जब हम n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे b मिलना चाहिए, ठीक है? और इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है, x इज इक्वल टू b, nth रूट मीन्स b रेज टू द पावर 1/n. x इज इक्वल टू b रेज टू द पावर 1/n. फॉर एग्जाम्पल, 2² इज इक्वल टू 4. 2 को अगर मैं 2 बार मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे 4 मिलेगा. That is, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, ठीक. तो इसका आंसर सोचने के लिए ये करना है कि 4 ये जो नंबर है, द रेडिकेंड, इसके बारे में कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसको हम 2 बार मल्टीप्लाई करें तो मुझे 4 मिले. कैसे सोचना है? कौन सा ऐसा नंबर है जिसको मैं 2 बार, यहां 2 लिखा हुआ है तो इसलिए मैं क्या सोच रहा हूं कि किस नंबर को हम 2 बार मल्टीप्लाई करें कि मुझे आंसर क्या मिले? 4 मिले. जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्यूब रूट ऑफ 8. तो यहां पे क्या सोचना है कि किस नंबर को मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 8 मिलेगा, ठीक है? किस नंबर को मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 8 मिले, ठीक. तो आंसर क्या है? 2. अगर 2 को मैं 3 बार मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा आंसर? 8, ठीक, जो यहां लिखा हुआ है. सिमिलरली अगर मैं इस तरीके से लिखूं, सॉरी, स्क्वायर रूट ऑफ 25, क्या पढ़ेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ 25 और सेकंड रूट ऑफ 25. तो फिर तो वही सोचना है, यहां 2 लिखा हुआ है तो थिंक लाइक दैट कि किस नंबर को हमें क्या सोचना है, किस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे कि मुझे 25 मिले. आंसर इज 5. किस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करें कि मुझे 25 मिले? आंसर इज 5. इसको सोचना ऐसे ही है, जब भी हमारे पास कोई इस तरह का रेडिकल होगा तो हमें क्या सोचना है, यहां जो नंबर है, ठीक, दिस नंबर 2, ये जो नंबर है ये सोचना है कि किसी नंबर को अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करें तो मुझे 25 मिलेगा, वही हमारा आंसर होगा. जैसे यहां पे क्या था, 3 क्यूब रूट ऑफ 8, क्यूब रूट ऑफ 8. तो हमें क्या सोचना है, किस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करें कि हमें आंसर 8 मिले. तो 2 को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलता है? 8. सिमिलरली यहां पे 2 लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ 25 का मतलब क्या है, किस नंबर को हम 2 बार मल्टीप्लाई करें कि हमें आंसर 25 मिले. तो 5 को अगर मैं 2 बार मल्टीप्लाई करता हूं, 5 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलेगा? 25. एक और एग्जाम्पल, अब यहां पर अगर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है, यहां पे अगर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है तो वो 2 है. बाय डिफॉल्ट यहां पे अगर कोई नंबर नहीं दिख रहा है, अगर नहीं लिखा हुआ है तो 2 है, ठीक. अगर लिखा हुआ है तो दिख ही रहा है, अगर नहीं लिखा हुआ है देन इट इज 2. 2 जो है इसको हम यहां पे लिखते नहीं, ये जो 2 है, ठीक, ये चीज और ये चीज ये सेम है, ठीक. अगर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ यहाँ पे तो बाय डिफॉल्ट यहां पर अगर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ तो बाय डिफॉल्ट वो 2 होता है, ठीक है, सिर्फ 2 और कुछ नहीं. अगर नहीं लिखा हुआ है तो वो नंबर 2 है. तो अब इसको कैसे सोचना है, किस नंबर को हम 2 बार, यहाँ पे क्या है, 2 है, अगर नहीं लिखा हुआ है तो हमें क्या सोचना है कि यहाँ पे 2 है, विच इज हिडन, लिखा हुआ नहीं है मतलब वो हिडन है. अगर ये 2 है यहाँ पे या नहीं लिखा हुआ है तो विच इज हिडन, दैट इज 2. तो किस नंबर को हम 2 बार मल्टीप्लाई करें कि हमें आंसर 16 मिलेगा.
किस नंबर को हम दो बार मल्टीप्लाई करें कि हमें आंसर 16 मिलेगा? द आंसर इज 4. ठीक, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4. इसका मतलब 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4. और फिर एक और तरीका है लिखने का, 2 इज इक्वल टू 4 रेज टू द पावर 1 अपॉन, यहां पे क्या लिखा हुआ है, 2, तो 1 अपॉन 2. ठीक, ये सब सेम चीज लिखा हुआ है, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4, और वी कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस, 2 इज इक्वल टू 4 रेज टू द पावर 1 अपॉन 2. नाउ यहां पे किस तरीके से हमें सोचना है कि यहां पे 2 लिखा हुआ है, तो किस नंबर को दो बार मल्टीप्लाई करें तो 4 मिलेगा, तो आंसर 2 है. तो इस तरीके से आपको क्यूब रूट ऑफ 8, 2 रेज टू द पावर 4, फोर्थ रूट ऑफ 16, ये वैल्यूज याद होने चाहिए. कहां तक याद होना चाहिए, किस पावर तक या किस nth पावर तक? तो 2 रेज टू द, इस तरीके से 2 रेज टू द पावर 10 तक याद होना चाहिए, 2 रेज टू द पावर 10 तक याद होना चाहिए, एंड इट इज 1024. तो इसको और कैसे लिख सकते हैं, 2 इज इक्वल टू 10th रूट ऑफ 1024. 2 raised to the power 10 is equal to 1024. 2 is equal to 10th root of 1024. अगर आपको 2 raised to the power 2 से 2 raised to the power 10 तक याद है, तो आपको ये भी याद रहेगा. ठीक है, इससे questions करने में आसानी होगी. अगर values याद हैं, और याद होने भी चाहिए, अगर values याद हैं, तो questions करने में आसानी होगा. Now, कुछ 2 raise to the power 2 से लेके 2 raise to the power 10 तक, 2 के कुछ पावर 2 से लेके 10 पावर तक मैंने वैल्यूज लिखे हैं, और ये आपको याद करना है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए. ठीक, फर्स्ट इज 2 raise to the power 2, दिस इज इक्वल टू 4, और यहां क्या लिखा हुआ है, 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4. सेकेंड, दिस इज 2 रेज टू द पावर 3 या क्यूब ऑफ 2, दिस इज इक्वल टू 8. दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2 इज इक्वल टू क्यूब रूट 8. थर्ड, 2 रेज टू द पावर 4, दिस इज इक्वल टू 16, और वी कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस, 2 इज इक्वल टू 4th रूट ऑफ 16. 2 is equal to 4th root of 16. Next is 2 raised to the power 5 is 32. 2 raised to the power 5 is 32. That is 2 is equal to 5th root of 32. Next, 2 raised to the power 6 is 64. And 2 is equal to 6th root of 64. 6th root of 64. 6th. 2 raised to the power 7 is 128, that is 2 is equal to 7th root of 128. 2 is equal to 7th root of 128. 7th, 2 raised to the power 8, this is equal to 256, that is 2 is equal to 8th root of 256. 8, 2 raised to the power 9, this is equal to 512. That is 2 is equal to 9th root of 512. And the last is 2 raised to the power 10, this is equal to 1024. That is 2 is equal to 10th root of 1024. 2 raised to the power 10 is this is equal to 1024, and 2 is equal to 10th root of 1024. ये तो 2 का हो गया, 3 का भी आपको याद होना चाहिए, एटलीस्ट 3 रेज टू द पावर 2 से लेके
थ्री रेज टू द पावर फाइव, इतना तो याद होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद धीरे धीरे फर्दर और पावर इंक्रीज करते जाइए, अगर इतना याद हो गया तो थ्री रेज टू द पावर फाइव से आगे बढ़ो, ठीक है। सिमिलरली फोर रेज टू द पावर टू से फोर रेज टू द पावर फाइव, ठीक। और बड़े नंबर्स के आपको स्क्वायर, जैसे सिक्स स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 36। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेवन स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 49। ये चीजें भी याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये याद है तो आपको ये भी याद हो जाएगा, सिक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 36, सेवन स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 49। अगर ये याद हो गया तो 7 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 49, ठीक। तो इसमें से अगर आपको ये वाला याद है, और ये रिलेशन कि इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक अगर आपको ये कॉलम याद हो गया तो दूसरा कॉलम जो है वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, और ये याद होना भी चाहिए। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल्स। दीज आर फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल। फर्स्ट वन इज nth रूट ऑफ a इज इक्वल टू a रेज टू द पावर 1 अपॉन a। nth रूट ऑफ a इज इक्वल टू a रेज टू द पावर 1 अपॉन n। सेकंड इज a रेज टू द पावर m अपॉन n, एंड a रेज टू द पावर m अपॉन n कैन बी रिटन एज nth रूट ऑफ a रेज टू द पावर m, और nth root of a whole raised to the power m. So let's prove it. A raised to the power m upon n. This is a raised to the power m into 1 upon n. m upon n can be written like this. इस तरीके से लिख सकते हैं. इसका मतलब a raised to the power m whole raised to the power 1 upon n, इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज a रेज टू द पावर m का nth रूट। 1 upon n means इस ब्रैकेट का nth रूट, और ब्रैकेट के अंदर क्या है, a रेज टू द पावर m, a रेज टू द पावर m का nth रूट। और यहां पर सेकंड इज, यहां पर जो हमने इस चीज को a raised टू द पावर m इंटू 1 अपॉन n, इसको हमने ऐसे लिखा था, अगर इसको हम इस तरीके से लिखें a raised टू द पावर 1 अपॉन n होल raised टू द पावर m, दोनों सेम चीज है, इसको हम या तो ऐसे लिखें या फिर ऐसे। अगर हमने इसको इस तरीके से लिखा तो हमें ये मिला nth रूट ऑफ a raised टू द पावर m, और अगर ऐसे लिख रहे हैं तो दिस इज व्हाट a रेज टू द पावर 1 अपॉन n होल रेज टू द पावर m। इसका मतलब दिस इज nth रूट ऑफ a, nth रूट ऑफ a एंड होल टू द पावर m। सो दिस कैन बी रिटन एज a रेज टू द पावर m अपॉन n, a रेज टू द पावर m अपॉन n, इट कैन बी रिटन एज nth root of a raised to the power m, or it can also be written as nth root of a whole raised to the power m. The third one is nth root of a into b, it can be written as nth root of a into nth root of b, nth root of, sorry, nth root of a into b. This is, अगर मैं first property का use करूं, nth root of a is a raised to the power 1 upon n, nth root of a b means a b raised to the power 1 upon n. Now base and property का, sorry, now base and exponent का अगर हम use करें, उसके property का, if अगर ब्रैकेट ओपन होगा तो ये दो, ये जो पावर है 1 अपॉन n, ये a पर भी आएगा और b पर भी आएगा, सो इट विल बी a रेज टू द पावर 1 अपॉन n इनटू b रेज टू द पावर 1 अपॉन n।
Now this is again from the first property. This can be written as nth root of a into nth root of b. This is the third property. Fourth, this is nth root of a upon b, and this can be written as nth root of a upon nth root of b. Nth root of a upon b को हम क्या लिख सकते हैं? Nth root of a upon nth root of b. Let's prove it. Nth root of a upon b. Again, first property का use करें. अगर nth root के अंदर a जो भी चीज है, उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं. A upon b raised to the power 1 upon n. Now, अगर मैं bracket को open करूं, तो ये जो 1 upon n exponent है, दिस एक्सपोनेंट जब ये अंदर आएगा ब्रैकेट के, तो ये ए पर भी जाएगा और बी पर भी, न्यूमरेटर पर भी और डिनोमिनेटर पर भी. तो इट इज ए रेज टू द पावर 1 अपॉन एन अपॉन बी रेज टू द पावर 1 अपॉन एन. नाउ ए रेज टू द पावर 1 अपॉन एन इज फर्स्ट प्रॉपर्टी. एनथ रूट ऑफ ए अपॉन दिस इज एनथ रूट ऑफ बी. सो एनथ रूट ऑफ a upon b is equal to nth root of a upon nth root of b. Next is nth root of mth root of a. Nth root of mth root of a. So it can be written as nmth root of or mnth root of a, or we can also write it like this, a raised to the power 1 upon mn. So, it is nth root of mth root of a. So, nth root means raised to the power 1 upon n. और ये a का जो mth root है, it can also be written as a raised to the power 1 upon m. So now, अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये दोनों जो एक्सपोनेंट्स हैं, a का एक्सपोनेंट 1 अपॉन m एंड इस पूरे ब्रैकेट का एक्सपोनेंट 1 अपॉन n, दे विल गेट मल्टीप्लाइड. तो a रेज टू द पावर 1 अपॉन m n. ठीक. नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रॉपर्टी, a रेज टू द पावर 1 अपॉन m n इज mnth रूट ऑफ a. mnth रूट ऑफ a. This is the fifth property. Now the sixth and the last property is nth root of a raised to the power m. So यहां पे लिखा हुआ है nth root of a raised to the power m. nth root of a raised to the power m. ठीक. Now nth root और a का जो exponent है, ठीक, ये जो radical sign है, इसका इंडेक्स क्या है? n. और ये a का एक्सपोनेंट क्या है? m. इंडेक्स इज n और a का एक्सपोनेंट है m. अगर मैं n में इस इंडेक्स में किसी चीज से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये जो a का एक्सपोनेंट है, इसमें से भी इसमें भी वही चीज मल्टीप्लाई हो. ठीक है. अगर मैंने इंडेक्स में p मल्टीप्लाई किया है, तो यहां पे a का जो एक्सपोनेंट है m, उसमें भी p मल्टीप्लाई हुआ. ठीक. लेट्स प्रूव इट. दिस कैन बी रिटन एज a रेज टू द पावर m. nth रूट मींस फर्स्ट प्रॉपर्टी का यूज करें, 1 अपॉन n. 1 अपॉन n. दिस इज, ये क्या लिखा हुआ, m इंटू a रेज टू द पावर m इंटू 1 अपॉन n. दिस इज a raised to the power m upon n. A raised to the power m upon n. Now, अगर मैं numerator में p से multiply करूं, तो मैं denominator में भी करूंगा, so that the value of m and n remains unchanged. अगर मैं m upon n, यहां देखें, m upon n, numerator में m है और denominator में n, तो अगर मैं न्यूमरेटर में किसी चीज से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, किसी भी रियल नंबर या वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर रहा हूं,
तो मुझे डिनोमिनेटर में भी सेम चीज से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर मैंने ऊपर p से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी p से मल्टीप्लाई होगा, वही चीज यहां है। दिस विल बी a रेज टू द पावर mp अपॉन np। नाउ दिस इज a रेज टू द पावर mp होल रेज टू द पावर 1 अपॉन np। तो दिस इज व्हाट np, 1 अपॉन np इज npth रूट ऑफ 1 अपॉन np मींस npth रूट ऑफ a रेज टू द पावर mp। ठीक, नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज क्यूब रूट ऑफ 8 रेज टू द पावर माइनस 2। वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। द सॉल्यूशन इज क्यूब रूट ऑफ 8 रेज टू द पावर माइनस 2। नाउ 8 कैन बी रिटेन एज, 8 जो है इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 3। अगर 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 8, मैंने आपको बोला भी था कि याद कर लेना है, तो 8 की जगह पे आई कैन राइट 2 रेज टू द पावर 3 और इस 8 का पावर कितना है माइनस 2। ठीक, 8 इज 2 रेज टू द पावर 3 और इस 8 का पावर कितना है एक्सपोनेंट माइनस 2, तो माइनस 2। ठीक, दिस इज इक्वल टू, जब मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो ये 3 और ये माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा, दिस 3 एंड माइनस 2 विल गेट मल्टीप्लाइड। तो क्यूब रूट ऑफ 2 रेज टू द पावर 3 इंटू माइनस 2 इज माइनस 6। नाउ क्यूब रूट ऑफ 2 रेज टू द पावर माइनस 6, दिस इज 2 रेज टू द पावर माइनस 6 इज रेज टू द पावर 1 अपॉन यहां पे 3 है तो 1 अपॉन 3। नाउ अगेन जब मैं ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो माइनस 6 और 1 अपॉन 3 क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, 2 रेज टू द पावर माइनस 6 इंटू 1 अपॉन 3, दिस इज माइनस 6 इंटू 1 अपॉन 3 इज माइनस 2, 2 रेज टू द पावर माइनस 2। अगर मुझे इस माइनस 2 को पॉजिटिव करना है तो ये माइनस 2 का बेस क्या है 2, माइनस 2 का बेस क्या है 2, इस 2 का जब मैं रेसिप्रोकल लिखूंगा तो ये जो माइनस 2 है इसका साइन चेंज कर जाएगा, वो प्लस 2 बन जाएगा। अगर मैं इस 2 का रेसिप्रोकल लिखूं, 2 को मैं 2 का रेसिप्रोकल इज 2 का रेसिप्रोकल 1 अपॉन 2, तो अगर मैं 2 को 1 अपॉन 2 लिखूं तो ये जो माइनस 2 है दिस एक्सपोनेंट इसका साइन चेंज कर जाएगा। जब हम बेस का रेसिप्रोकल लिखते हैं तो एक्सपोनेंट का साइन चेंज कर जाएगा, तो 1 अपॉन 2 और रेज टू द पावर 2, जो माइनस 2 था उसका साइन चेंज कर गया बिकॉज हमने बेस का रेसिप्रोकल लिखा है। नाउ दिस इज, जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये 2 जो है दिस एक्सपोनेंट ये 1 पर भी आएगा और इस 2 पर भी आएगा, दैट इज न्यूमरेटर पर भी ये एक्सपोनेंट आएगा और डिनोमिनेटर पर भी, तो दिस इज 1 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर। 1 स्क्वायर मींस 1 इज गेटिंग मल्टीप्लाइड 2 टाइम्स, दैट इज 1 इनटू 1 इज 1 एंड 2 स्क्वायर इज 4। दिस इज द फाइनल आंसर, क्यूब रूट ऑफ 8 रेज टू द पावर माइनस 2 इज 1 अपॉन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ 5 रेज टू द पावर n प्लस 2 इज इक्वल टू 625, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n प्लस 3 होल रेज टू द पावर 1 अपॉन 3। यस, n प्लस 3 होल रेज टू द पावर 1 अपॉन 3। सॉल्यूशन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पे इसका वैल्यू निकालना है। अब जिसका वैल्यू निकालना है, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है, और इस एक्सप्रेशन में यहाँ पर n जो है इट इज अ वेरिएबल। अगर मुझे इसका वैल्यू नहीं पता, n का वैल्यू नहीं पता, तो हम इस एक्सप्रेशन का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ n यूजिंग दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के हेल्प से
हम पहले n का वैल्यू फाइंड करेंगे और तब n के वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट करके इस एक्सप्रेशन का आंसर फाइंड करेंगे। तो 5 रेज टू द पावर n प्लस 2 इज इक्वल टू 625। नाउ अगर n प्लस 2, यहां 5 का पावर क्या है, 5 का एक्सपोनेंट n प्लस 2 है, तो यहां भी 625 को हमें बेस एंड एक्सपोनेंट के टर्म्स में लिखना होगा, x रेज टू द पावर m के फॉर्म में लिखना होगा। तो 6 सच दैट इस तरीके से कि 625 को जब हम बेस एंड एक्सपोनेंट के टर्म में लिखें तो 625 का जो बेस और एक्सपोनेंट के टर्म्स में लिखना चाह रहे हैं वहां बेस 5 हो। तो 625 इज 5 रेज टू द पावर 4। नाउ अगर दोनों तरफ बेसेज सेम है तो वी कैन इक्वेट द एक्सपोनेंट, देयरफॉर n प्लस 2 इज इक्वल टू 4। दिस इंप्लाइज दैट n इज इक्वल टू 4 माइनस 2 विच इज 2, वैल्यू ऑफ n इज 2। नाउ हमें जिस एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड करना है उस एक्सप्रेशन में n का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो एक्सप्रेशन इज n प्लस 3 होल रेज टू द पावर 1/3। n इज 2 plus 3 होल रेज टू द पावर 1/3। 2 plus 3 is 5, 5 रेज टू द पावर 1/3। दिस इज द आंसर ऑफ n प्लस 3 होल रेज टू द पावर 1/3। ओके, नाउ वी विल सिंप्लीफाई दिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट 2 raised to the power 2/3 be a and 2 raised to the power minus 2/3 be b. 2 raised to the power 2/3 be a और 2 raised to the power minus 2/3 को हमने b assume कर लिया। Now ये जो 1 है इस 1 को भी मुझे 2 raised to the power 2/3 and 2 raised to the power minus 2/3 के terms में लिखना है। तो 2 रेज टू द पावर 2/3 इंटू 2 रेज टू द पावर माइनस 2/3। बेसेस सेम हैं और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएगा। 2 रेज टू द पावर 2/3 प्लस माइनस 2/3, दिस इज 2/3 माइनस 2/3। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो प्लस और माइनस विल बिकम माइनस। This is 2 raised to the power 0, which is 1. So 1 is what? This. 2 raised to the power 2/3 into 2 raised to the power minus 2/3 is equal to 1. Take. Now 2 raised to the power 2/3. This is A into this is B. This is equal to 1. 2 raised to the power 2/3 को हमने a assume किया है, this is equal to a. अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग करूं, that is दोनों तरफ मैं सेम पावर अगर लू 2/3 होल स्क्वायर a स्क्वायर, तो जब ब्रैकेट ओपन होगा तो this 2 and 2/3 ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, क्या मिलेगा 2 raised to the power 4/3 is equal to a square, 2 raised to the power 4/3 a square, second 2 raised to the power minus 2/3 this is what b, इसको हमने क्या assume किया था b, this is equal to b, again squaring both side this is माइनस 4/3, 2 इंटू माइनस 2/3 इज माइनस 4/3, दिस इज बी स्क्वायर। नाउ ये जो चीज यहां गिवन है, ठीक है, इसमें 2 रेज टू द पावर 2/3 है जिसको जिसकी जगह पे हम a लिखेंगे, 2 रेज टू द पावर माइनस 2/3 की जगह पे b, ये 2 रेज टू द पावर 4/3 इसका वैल्यू a स्क्वायर है, 1 इज a इंटू b, and 2 raised to the power minus 4/3 is b square. So, it will become
a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. नाउ दिस इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब. ए क्यूब माइनस बी क्यूब. ए इज वॉट? ए इज टू रेज टू द पावर टू अपॉन थ्री. टू रेज टू द पावर टू अपॉन थ्री ए क्यूब है तो इसका क्यूब माइनस. बी इज वॉट? टू रेज टू द पावर माइनस टू अपॉन थ्री. टू रेज टू द पावर माइनस टू अपॉन थ्री होल रेज टू द पावर थ्री. नाउ जैसे ही इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे ये थ्री और टू अपॉन थ्री, ये एक्सपोनेंट जो बाहर में है और ये एक्सपोनेंट जो अंदर में है, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा. टू अपॉन थ्री इंटू थ्री माइनस इंटू थ्री. थ्री थ्री गेट्स कैंसिल दिस ऑल्सो. ये वी गेट टू रेज टू द पावर टू माइनस टू रेज टू द पावर माइनस टू. नाउ टू रेज टू द पावर टू इज फोर माइनस टू रेज टू द पावर माइनस टू. अगेन यहां पे बेस 2 है और उसका एक्सपोनेंट निगेटिव है, तो अगर मैं बेस का रेसिप्रोकल करूं तो एक्सपोनेंट का जो साइन है वो चेंज कर जाएगा. तो अगर मैं 2 को 1 अपॉन 2 लिखूं तो एक्सपोनेंट माइनस 2 जो है वो 2 बन जाएगा. तो दिस इज व्हाट 4 माइनस 1 अपॉन 4 सॉरी 4 माइनस 1 अपॉन 4 एंड दिस इज After taking LCM, it will give 15 upon 4 is the final answer of this. तो अभी जो बेस एंड एक्सपोनेंट का हमारा जो चल रहा है उसमें हमने पहले कुछ क्वेश्चंस किए हैं, फिर रेडिकल्स आज हमने देखा उस पर क्वेश्चंस किया. आगे की वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, साथ में सर्ट्स भी डिस्कस करेंगे कि सर्ट्स क्या होता है. तो अभी इसमें कुछ और क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग और साथ में सर्ट्स को भी डिस्कस करेंगे. तो थैंक्स फॉर नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.